अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा ये 13 लेक्चर्स है बेसिक फिजिक्स पर, जिसमें आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन, इसकी एग्जांपल्स, फार्मूलाज और इसकी डिटेल्स। हमारे पास हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, उसकी एग्जांपल्स, एक्सप्लेनेशन और लास्ट में हम रेफरेंस। तो सबसे पहले हम प्रोजेक्टाइल मोशंस को जो है वो डिफाइन करते हैं टू वेज में कि प्रोजेक्टाइल मोशंस हमारे पास क्या है। सबसे पहले जो इसकी डेफिनेशन है, आपने पहले ये डेफिनेशंस को अंडरस्टैंड करना है। जब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे तो आपको डेफिनेशन और क्लियर हो जाएगी कि प्रोजेक्टाइल मोशन हमारे पास क्या है। तो इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं, द टू डायमेंशनल मोशन अंडर द कॉन्स्टेंट एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इनर्शिया इस कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। कि ये हमारे पास जो मोशन होती है वो टू डायमेंशनल मोशन होती है हमारे पास, प्रोजेक्टाइल मोशन टू डायमेंशनल होती है, और इस पर एक्सीलरेशन जो होता है वो कांस्टेंट एक्सीलरेशन होता है ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से एंड इनर्शिया की वजह से। इससे पहले हम इनर्शिया जो है वो टर्म हम उसको डिफाइन कर चुके हैं कि हमारे पास इनर्शिया क्या होती है, और ग्रेविटी का भी आपको मैं बता दूंगी, ग्रेविटी की फोर्स, इसके बारे में भी थोड़ा सा बताया है आपको कि जो जमीन अट्रैक्ट करती है, जो इसके अपने सेंटर की तरफ ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से वो अट्रैक्ट करती है। और सेकंड, हम इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन इन स्पेस मेकिंग सम एंगल विद द हॉरिजॉन्टल विदाउट एनी ड्राइविंग पावर एंड मूव अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। इसको अगर मैथमेटिकली फॉर्म में मैं आपको बताऊं कि किस तरह की ये मोशन हो, तो उसको हम देखते हैं कि अगर आप कोई बॉल जो है या कोई भी बॉडी जो है वो इस तरह से थ्रो करते हैं, इस तरह से आपने उसको फेंक दिया, तो वो इस तरह से मूव करते हुए वापस जो है वो अर्थ की तरफ आएगी। तो ये वाली जो मोशन होती है इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। यानी कि अगर हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करें, ये आपके पास एक्स एक्सिस है, तो ये आपके पास क्या है, वाई एक्सिस, यानी कि टू डायमेंशन में। तो यहाँ पर इसके ऊपर अगर एक फोर्स हमने स्टार्ट में अप्लाई किया इसको फेंकने के लिए, तो इस पर कोई फोर्स होगी। अब इसको अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें तो ये इसका एक्स एक्सिस के अलोंग होगा, और यहाँ पे अगर ड्रॉ करें तो ये वाई एक्सिस के अलोंग इसकी वेलोसिटी होगी। तो यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे जाएगी, फिर इसकी चेंज हो जाएगी, ठीक है, अपवर्ड और डाउनवर्ड इस तरह से फोर्स एक्ट करेगी इस पर। तो ये जो है वो टू डायमेंशनल में होगी। अब अगर आपके पास इस तरह से हो कोई एक स्ट्रेट लाइन, तो आप इसको बोलते हैं वन डायमेंशनल जो है वो ये फोर्स है, वन डायमेंशनल मोशन है कि एक बॉडी जो है वो स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही है यहाँ से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, तो ये कौन सी है, वन डायमेंशनल। अगर इस तरह से बनेगी जिसमें उसकी वेलोसिटी जो है, उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रही है, तो इस तरह की जो मोशन होगी उसको हम कहेंगे टू डायमेंशनल मोशन। और यहाँ पर ये देखें, जब यहाँ से इस पॉइंट से हमने यहाँ पर इसको थ्रू किया है, तो यहाँ पर कोई ना कोई एंगल बनेगा इसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ, इसका जो यहाँ पे एंगल बनेगा उसको हम थीटा से डिनोट करते हैं। तो इस तरह से हम इसकी सेकंड डेफिनेशन को देख सकते हैं, मैन अ बॉडी इज थ्रोन इन स्पेस, कि जब हम किसी बॉडी को, इसकी एग्जांपल आप सिंपल बॉल ले सकते हैं कि बॉल को जब आप फेंकते हैं, या अगर बैट्समैन अगर खेल भी रहा है तो बॉल आप जब फेंकते हैं तो वो इस तरह की मोशन में वहाँ पर जाता है, ठीक है। जब आप खुद से भी थ्रू करके देखते हैं तो इस तरह की उसकी मोशन होती है, एनी ड्राइविंग पावर एंड मूव्स अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। अब देखिए, आपने बस एक दफ़ा उसको थ्रू करना है, बाद में उसने खुद ही मूव करना है, वो ग्रेविटी की वजह से इस तरह से वो मूव करेगा। इस कॉल्ड प्रोजेक्टाइल, द मोशन ऑफ सच बॉडी इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। अभी इस तरह का जो पाथ होगा उसको हम प्रोजेक्टाइल कहेंगे, और इस तरह की मोशन को हम क्या कहेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन। एंड इट्स पाथ इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री। अब इस पाथ का नाम, एक स्पेसिफिक नाम रख दिया है कि इसको हम ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं। ट्रेजेक्ट्री का मतलब होता है कि अगर मैं एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ कर दूँ और आपसे कहूँ इसके ऊपर आप जो है वो मूव करें, इस पाथ के ऊपर, तो इसको हम ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं कि उसका एक पाथ हम बता देते हैं कि इसके ऊपर मूव करें। अब ये जो इसकी ये जो शेप है, इस तरह से पैराबोला इसको बोलते हैं, वैसे मैथमेटिकली लैंग्वेज में इस तरह से जो मोशन होती है उसको हम पैराबोला बोलते हैं। ये वाला जो है ये उसका पाथ है मूव करने का, तो इसको हम ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं फिजिक्स की लैंग्वेज। इसकी एग्जांपल्स में हमारे पास सबसे पहले है अ फुटबॉल किक्ड इन एयर, कि जब हम किसी फुटबॉल को या बॉल को किक्ड करते हैं, हवा में फेंकते हैं, तो उसकी भी इसी तरह से पाथ बनता है कि वो ऐसे ही हवा में जाके फिर वापस जमीन की तरफ आके गिर जाता है।
तो ये ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से गिरता है, अदरवाइज वो हवा में ही रहकर ग्रेविटी की फोर्स ना हो जमीन की तरफ। मिसाइल शूट फ्रॉम लॉन्चिंग पैड, अगर किसी मिसाइल को आप लॉन्च करते हैं किसी भी लॉन्चिंग पैड के थ्रू, तो वो भी इसी तरह से एक्ट करता है कि वो पहले अपवर्ड जाता है डायरेक्शन में, वो भी पैराबोला की तरह फॉर्म बनाते हुए फिर आके नीचे गिर जाते हैं। अ थ्रोन क्रिकेट बॉल, तो इसी तरह से क्रिकेट बॉल भी कि जब आप फेंकते हैं उसकी शेप भी इसी तरह की होती है कि जब बॉलर है वो बॉल फेंकता है तो जब वो बैट्समैन तक पहुंचती है तो उसका भी इसी तरह से पास बनता है, उसकी मोशन को भी हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। एन ऑब्जेक्ट थ्रोन फ्रॉम द एरोप्लेन, अब अगर आप एरोप्लेन में बैठे हुए हैं, जहाज में बैठे हुए हैं, वहाँ से कोई चीज़ फेंकते हैं तो वो भी क्या है, इसी तरह का पाथ जो है वो फॉलो करती है, इसी तरह का पाथ जो है वो बनाती है। तो नेक्स्ट यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की। कंसिडर द मोशन ऑफ अ बॉल व्हेन इट इज थ्रोन हॉरिजेंटली फ्रॉम सर्टन हाइट। हॉरिजेंटली का मतलब होता है अलोंग द एक्स एक्सिस, ठीक है, हॉरिजेंटल फॉर्म में, कि स्ट्रेट जो लाइन ऑफ मोशन होती है वो वर्टिकल की आपको पता है अपवर्ड जो डायरेक्शन में होती है, और हॉरिजॉन्टल यानी कि एक बॉल को आप मोशन ले रहे हैं किसी भी बॉल की, जब आप उसको थ्रो कर रहे हैं हॉरिजॉन्टली फ्रॉम सर्टेन हाइट, यानी कि इस तरह से अगर आपके पास ये आप ले लें एक्स एक्सिस है, ये आपके पास सम हाइट है जो कि वाई एक्सिस के अलोंग है, अब यहाँ से आप बॉल को इस यानी कि आप इसको सिंपल एग्जाम्पल ले लें कि छत पे आप जाके वहाँ से बॉल नीचे फेंकते हैं तो वो क्या होगा, इस तरह से नीचे आ जाएगा फ्लोर पर आके यहाँ पे वो फिर, अब इस तरह की जो मोशन होगी इस तरह का वो पाथ बनाएगा, तो ये हॉरिजेंटली मोशन इसकी होगी, ये वाली जो लगता है एक्स एक्सिस के हाइट हाइट से आपने उसको फेंक दिया है वो नीचे की तरफ आ रहा है, थ्रू किया आपने उसको तो सम सर्टन हाइट से, तो इस तरह से जो मोशन होगी उसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। द बॉल ट्रेवल फॉरवर्ड एज वेल एज डाउनवर्ड अंटिल इट इज स्ट्राइक द ग्राउंड। अब बॉल क्या है कि वो आगे की तरफ भी जा रहा है और नीचे की तरफ भी आ रहा है, यानी कि आपने फेंका है यहाँ पे सम टाइम पे वो आगे की तरफ मूव किया फिर वो नीचे की तरफ भी आया, तो इस वो तब तक इस तरह की उसकी मोशन रहेगी फॉरवर्ड और डाउनवर्ड जब तक वो ग्राउंड के साथ स्ट्राइक नहीं कर लेता, ठीक है, जमीन पर नहीं गिर जाता। सपोज दैट बॉल लीव्स द हैंड ऑफ द थ्रोअर एट पॉइंट ए एज शोन इन द फिगर। सपोज करते हैं कि ये जब बॉल उसने फेंका है थ्रोअर ने, यानी कि जो फेंक रहा है उसने ए पॉइंट से उस बॉल को जो है वो नीचे की तरफ फेंका है, इसकी हम नेक्स्ट जो है वो फिगर भी इसकी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें एक्सप्लेनेशन में। इट इज ऑब्जर्व दैट इट्स वेलोसिटी एट दैट इंस्टेंट इज कम्प्लीटली हॉरिजॉन्टल। अब कहते हैं कि जहाँ से जब आपने फेंका है उसकी जो वेलोसिटी है वो हॉरिजेंटल है, यानी कि ये देखिए ये डायरेक्शन मैंने वेलोसिटी की शो की है ब्लैक एरो हेड से कि बिल्कुल सीधी है, वो हॉरिजेंटली है यानी कि इस तरह से हॉरिजेंटली, ये वाली जो आपके पास वाई एक्सिस की लाइन होती है इसको हम वर्टिकली बोलते हैं जो परपेंडिकुलर टाइप होती है, और जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है किसी प्लेन के साथ बना रही होती है वो हमारे पास हॉरिजेंटली होती है। अब ये आपके पास एक्स एक्सिस है और ये वेलोसिटी की डायरेक्शन भी क्या दिखा रही है हॉरिजेंटली है इसके साथ, लेट इट्स वेलोसिटी इज वी एक्स, हम इसको क्या कहते हैं कि ये वेलोसिटी क्या है वी एक्स है हमारे पास। द ओनली फोर्स ऑन द इक्वेशंस ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज इट्स वेट व्हिच इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड एंड नो फोर्स इज एक्टिंग हॉरिजॉन्टली सो वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट देन फ्रॉम न्यूटन सेकंड। अब वो ये कह रहे हैं कि जब आपने यहाँ से बॉल है वो फेंका है उस पर सिर्फ कौन सी फोर्स एक्ट करेगी, अब कोई और फोर्स एक्ट नहीं कर रही, सिर्फ उस पर वेट की फोर्स एक्ट कर रही है जो उस बॉडी की होती है नॉर्मल वो भी एक्ट कर रही है, ये जैसे यहाँ पे मैंने ये शो किया, यहाँ पे मैंने शो किया कि डिफरेंट पॉइंट्स पे वो डिफरेंट होगी, अगर इस पॉइंट पे है तो इस पॉइंट पे इस तरह से, तो हर पॉइंट पे आप देखें डाउनवर्ड एक फोर्स उस पर एक्ट करेगी जो कि ग्रेविटी की फोर्स होगी, और वो किसके इक्वल होती है एफ इज इक्वल टू एम जी, यानी कि डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी भी आप कह सकते हैं कि वेट की फोर्स है, दोनों का फार्मूला आपके पास एफ इज इक्वल टू एम में होता है और डब्ल्यू की फॉर्म में जब हम लिखते हैं डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी, क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन में चेंज हो जाता है इसलिए हम जी को ए को जी से रिप्लेस कर देते हैं और एफ को डब्ल्यू से कि वो वेट की फोर्स है। इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड एंड नो फोर्स इज एक्टिंग हॉरिजॉन्टली, लेकिन इस डायरेक्शन में आप देखेंगे कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रही, हवा की जो है हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं कि वो एयर रेजिस्टेंस भी नहीं है,
हवा की जो रुकावट है वो भी नहीं है। बॉल जो है आपने फेंका वो डायरेक्ट नीचे आ रहा है, और नीचे किस वजह से आ रहा है, वेट के फोर्स की वजह से, उसके अपने मास की वजह से, और ग्रेविटी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वजह से जो जमीन उसको अपनी तरफ एक्ट कर रही है। तो उस पे उसके अलावा और कोई भी हॉरिजेंटली फोर्स एक्ट नहीं कर रही, सिर्फ वर्टिकली डाउनवर्ड जो है वो फोर्स एक्ट कर रही है जो उसके वेट की फोर्स है। तो अगर हम यहाँ से एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना चाहें या फोर्स फाइंड आउट करना चाहें, कैसे, आप लिख सकते हैं कि ए एक्स इज इक्वल टू, ये न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है आपके पास, कि एफ इज इक्वल टू एम ए। अब यहाँ पे जो एम ए है, ए आप एक्स एक्सिस के अलोंग पहले फाइंड आउट कर ले, फिर वाई एक्सिस के अलोंग ले लें। तो एक्स एक्सिस के अलोंग आपके पास फोर्स क्या बन जाएगी, एफ एक्स, और ए क्या बन जाएगा, ए एक्स। तो ए एक्स इज इक्वल टू एफ ओवर एम। अब एफ एक्स हमारे पास क्या है, जीरो है। क्यों, हमने कहा कि हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन में कोई भी फोर्स उस पर एक्ट नहीं कर रहा, यही कंसिडर किया कि कोई एयर रेजिस्टेंस भी नहीं है, बॉल जब आपने फेंका वो नीचे की तरफ आ गया। तो जब हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के अलोंग कोई फोर्स नहीं है, इट मीन के वो जीरो हो, तो इसलिए ये पूरी टर्म्स इसको क्या कर देगी, जीरो, यानी कि हॉरिजेंटली कोई भी एक्सीलरेशन एक्ट नहीं कर रहा। लेकिन वर्टिकली में क्या होगा, ए वाई है और एफ वाई फोर्स है, तो जो एफ वाई फोर्स है उसकी वेट की फोर्स के इक्वल है, जो कि इक्वल होती है एम जी के। तो इसलिए ये हमारे पास आ जाएगी एम जी डिवाइडेड बाई एम, तो एम एम से कैंसिल हो जाएगा, तो ए किसके इक्वल आ जाएगा, जी के। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि जो आपके पास डाउनवर्ड फोर्स एक्ट कर रही है वो ग्रेविटी की है, जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन आपके पास है, तो हम ए को जी से जो है वो रिप्लेस कर देते हैं। इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। हेंस द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक्स इज गिवन बाय, अभी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस किस तरह से हमारे पास आया, आपने इक्वेशन पढ़ी लास्ट टाइम भी, हमारे पास इक्वेशन होती है एक्स इज इक्वल टू बी टी। सेकेंड आप इसको ये भी कह सकते हैं कि वी इज इक्वल टू एस ओवर टी, जो स्पीड की हमने इक्वेशन पढ़ी थी कि वी इज इक्वल टू एस ओवर टी। तो अगर आपने एस फाइंड आउट करना हो तो आप क्या लिखेंगे, एस इज इक्वल टू बी टी। यही पढ़ी थी ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। तो अगर डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना है तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, एस इज इक्वल टू बी टी। अब डिस्टेंस जो है हम यहाँ पे एस को हम ले रहे हैं कि एस हमारे पास जो है वो इक्वल टू एक्स है, एक्स से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसके डिस्टेंस को। तो हम ये इक्वेशन को इस तरह से लिख लेंगे कि एस इज इक्वल टू एक्स, विच इज इक्वल टू वी, हमारे पास क्या है उसकी वेलोसिटी, स्पीड उसकी हम ले रहे हैं, तो स्पीड को हम उसके एक्स एक्सिस के अलोंग ले रहे हैं, तो वी एक्स लिख लेंगे, और टाइम टी है, तो ये आपके पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आ जाएगा उस सब्जेक्ट का, उस बॉडी का, या उस बॉल का जो आपने कंसिडर किया है। नाउ कंसिडर द वर्टिकल मोशन ऑफ द बॉल, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आ गया। अगर हम वर्टिकल जो है वो देखना चाह रहे हैं तो फिर हम क्या करेंगे, उसकी वर्टिकल मोशन ऑफ द बॉल को कंसिडर करते हैं। इट विल एक्सीलरेट डाउनवर्ड अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब जो उसकी वर्टिकल मोशन है वो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी की वजह से डाउनवर्ड है वो एक्सीलरेट कर रहा है, यानी कि ए वाई के पास है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन इज जीरो। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास प्रोजेक्टाइल की क्या है, जीरो है। वो किस तरह से कि आपने यहाँ से इस पॉइंट से जब उस बॉल को थ्रू किया है नीचे की तरफ, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। इनिशियल वेलोसिटी हम वी आई से डिनोट करते हैं, अब वो वाई एक्सिस के अलोंग थी, तो वी आई वाई क्या हो जाएगी आपके पास, जीरो। अगर यहाँ से भी आप देखें, यहाँ से भी बॉल को थ्रो करते हैं, तो ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या होगी, जीरो। तो ये वर्टिकली डायरेक्शन में है, तो ये वी आई वाई से हम इसको लिख लेंगे, तो वी आई वाई विच इज इक्वल टू जीरो आ जाएगी आपके पास इनिशियल वेलोसिटी। लेकिन उसका एक्सीलरेशन क्या आ जाएगा, एक्सीलरेशन डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, कुछ ना कुछ एक्सीलरेशन हो गया उसकी वेट की फोर्स, तो वो आपके पास आ जाएगी ए वाई इज इक्वल टू जी। तो यहाँ पर हम देखते हैं उसका वर्टिकली डिस्टेंस, पहले हमने हॉरिजेंटल डिस्टेंस देखा जो कि हमारे पास आया है एक्स इज इक्वल टू वी एक्स टी। अब हॉरिजेंटल उसका डिस्टेंस देखते हैं, तो हॉरिजेंटल डिस्टेंस का हमने फार्मूला पढ़ा है कि जो आपके पास सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है वो हमारे पास हॉरिजेंटल उसका डिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट करने का फार्मूला है, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। यही फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में डिस्टेंस, वर्टिकली डिस्टेंस अगर हमने देखना है, तो इस सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम यूज करें।
अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हम वर्टिकली डिस्टेंस को वाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हॉरिजेंटल डिस्टेंस को हमने एक्स से रिप्रेजेंट किया था, वर्टिकली को हम वाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो वर्टिकली इनिशियल वेलोसिटी है उसको वी आई वाई से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करते जाएं जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन थी। तो एस इज इक्वल टू, यानी कि आप इसको इस तरह से लिख के भी बता सकते हैं कि एस इज इक्वल टू, इस इक्वेशन को पहले लिख लें फिर यहाँ पे वैल्यूज लिख लें कि एस इज इक्वल टू वाई, वी आई इज इक्वल टू वी आई वाई और ए वाई विच इज इक्वल टू जी। ठीक है, ए वाई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ए वाई और विच इज इक्वल टू जी, इस तरह से लिख लें। देन आप इस इक्वेशन में लिख लें कि हम वैल्यूज पुट कर रहे हैं, तो ये आपके पास क्या इक्वेशन बन जाएगी, वाई इज इक्वल टू वी आई टी प्लस वन बाई टू ए वाई टी स्क्वायर। ए वाई आपके पास क्या है, जी के इक्वल है। और अब हमें पता है कि जो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, अभी लास्ट में मैंने आपको बताया कि वो हमारे पास वर्टिकली में ज़ीरो है। ठीक है, वर्टिकली इनिशियल वेलोसिटी जिस पॉइंट से आप उसको थ्रो कर रहे हैं वो आपके पास क्या है, ज़ीरो है। स्टार्टिंग पॉइंट इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट की आप जब भी देखते हैं इनिशियल वेलोसिटी वो आपके पास इक्वल टू ज़ीरो देते हैं। अगर आपको वो मैंशन ना किया जाए कि यहाँ पर इसकी वेलोसिटी ये, तो फिर आप इनिशियल वेलोसिटी स्टार्टिंग वेलोसिटी उसकी ज़ीरो ही देते हैं। अब इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है आपके पास, तो ये वाली टर्म्स जब जीरो को आप टाइम टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास इक्वेशन क्या हो, ये वाली टर्म्स क्या हो जाएगी, जीरो। तो जीरो प्लस वन बाई टू ए बाई टी स्केयर आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, वन बाई टू जी टी स्केयर, तो ये वाली टर्म आपके पास जीरो हो जाएगी। कंसिडर अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम अ पॉइंट ओ विद एन इनिशियल वेलोसिटी वी आई। अब अगर ये पॉइंट ओ है आपके पास, यहाँ से आप उसको फायर करते हैं विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, वी आई है। अभी हम मेंशन नहीं कर रहे कि वर्टिकली ले रहे हैं या हॉरिजॉन्टली, इनिशियल वेलोसिटी जस्ट हम लिख रहे हैं कि वी आई है। अगर आप ओ पॉइंट से किसी भी प्रोजेक्टाइल को फायर करते हैं विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई मेकिंग एन एंगल थीटा, ये आपके पास एंगल थीटा बन रहा है, हॉरिजॉन्टल विद द हॉरिजॉन्टल और एक्स एक्सिस एज शोन इन द फिगर, एक्स एक्सिस के अलोंग ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये थीटा एंगल बन रहा है, इनिशियल वेलोसिटी आपकी क्या है, वी आई है। यहाँ से आप उस बॉल को थ्रो कर रहे हैं तो इस तरह से वो यहाँ पे आके जो है वो गिर जाएगा। तो यहाँ पे हम अब उसकी वेलोसिटी जो है वो हॉरिजॉन्टल एंड और वर्टिकल कंपोनेंट्स जो है वो फाइंड आउट करेंगे। द मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल कैन बी स्टडी बाय डिसॉल्विंग इनटू हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट, ये मोशन ऑफ फोर्स की जो भी प्रोजेक्टाइल मोशन है उसको हम स्टडी कर सकते हैं ईजीली उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करके हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल में। अब वर्टिकल में आपको पता है वर्टिकली में जो हमारे पास एंगल बनता है वो साइन ऑफ थीटा होता है और जो हॉरिजॉन्टली होता है वो कोस ऑफ थीटा होता है। वो क्यों होता है, वेक्टर्स में भी हमने पढ़ा था, उसमें तो हमने डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा था कि डॉट प्रोडक्ट में आपके पास कोस थीटा आएगा और वेक्टर प्रोडक्ट में आपके पास साइन थीटा आएगा। लेकिन यहाँ पे वर्टिकली और हॉरिजॉन्टल में ये वाले एंगल किस तरह से आते हैं, अब आपको पता है कोस जीरो जो होता है वो इक्वल टू वन होता है वैल्यू, यानी कि कोस थीटा अगर हम जीरो के इक्वल लें, थीटा इज इक्वल टू जीरो लें, तो वो कोस जीरो आपके पास क्या आ जाएगा, इसको थोड़ा सा कर लें, यानी कि कोस जीरो की वैल्यू आपके पास इक्वल टू वन आती है। तो ये मैक्सिमम होता है यहाँ पे आपके पास जीरो वैल्यू पे मैक्सिमम कोस की वैल्यू होती है। और वर्टिकली में आपके पास जो साइन 90 डिग्री होता है, कोस 90 क्या हो जाता है, आपके पास जीरो हो जाता है, कोस 90 क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। लेकिन साइन 90 आपके पास, तो ये आपके पास जो वर्टिकली में एंगल की वैल्यू होती है जो आपके पास साइन 90 होता है वो मैक्सिमम होता है, यानी कि उसकी वैल्यू आपके पास इक्वल टू वन आ जाएगी। लेकिन आपके पास साइन जीरो क्या होता है, जीरो होता है। तो इस तरह से हम ये इस तरह से हम लिखते हैं इसके कंपोनेंट्स के, जो आपके पास एक्स एक्सिस के अलोंग होता है वो कोस थीटा एंगल होता है और जो वाई एक्सिस के अलोंग होता है वो साइन थीटा एंगल होता है। तो अब इनके कंपोनेंट्स में अगर हम ये आपके पास वी आई वेलोसिटी थी, ये आप यहाँ पे शो कर लें वी आई वेलोसिटी थी, इसको हमने कंपोनेंट्स में तहवील किया है कि यहाँ से आपने ये इसका वाई कंपोनेंट अगर हम ले लें और यहाँ से ये एक्स कंपोनेंट्स ले लें, तो ये आपके पास आ जाएगा वी आई एक्स। ठीक है, ये इसका वर्टिकली वेलोसिटी देखेंगे तो वी आई कोस थीटा के इक्वल आ जाएगी। इसी तरह से वर्टिकली सॉरी ये हॉरिजॉन्टली थी, वी आई एक्स से डिनोट किया जो एक्स एक्सिस के अलोंग ले रहे हैं और वी आई वाई से हम इनिशियल वेलोसिटी ले रहे हैं उसके
जो है वो वाई एक्सिस के लॉन्ग, तो वो क्या आ जाएगी, वी आई वाई इज इक्वल टू वी आई साइन ऑफ थीटा। तो ये वाली जो टर्म्स है ना आपके पास, ये एक्स्ट्रा है ये नहीं, आप लोग ये वैसे ही है। अब यहाँ पे ये आपके पास आ जाएंगे इसके हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल कंपोनेंट। तो नेक्स्ट हम इसको सेपरेटली लिखते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट्स को और हॉरिजेंटल कंपोनेंट्स को जो है वो एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास हॉरिजेंटल कंपोनेंट आएगा वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, अगर फाइनल वेलोसिटी देखें हम, पहले हमने इनिशियल, तो यहाँ पर आपके पास जो है वो फाइनल वेलोसिटी जो है वो वी एफ एक्स है हॉरिजेंटल में, ठीक है। अगर वो वर्टिकली में है तो वो वी एफ वाई होगी, ये हॉरिजेंटल है तो इसको हॉरिजेंटल वेलोसिटी हमारे पास वी एक्स है, तो फाइनल वेलोसिटी है तो हम इसको वी एफ एक्स से डिनोट करेंगे, तो वो किसके इक्वल आ जाएगी, विच इज़ इक्वल टू, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है आपके पास के फाइनल वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, वी एक्स वी आई प्लस ए टी, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ की है, या आप प्रीवियस लेक्चर जो है वो रिवाइज करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर जब हम एक्स एक्सिस के अलोंग इसकी देखेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये आपके पास आ जाएगी वी एफ एक्स विच इज इक्वल टू वी आई एक्स प्लस ए एक्स टी। अब ये वी एफ एक्स वी आई एक्स के इक्वल किस तरह से आएगी, क्योंकि आपको पता है हॉरिजेंटल में स्टार्ट में मैंने आपको करवाया, अब ये पॉइंट याद करने के लिए आपको यहाँ पे स्लाइड्स में है, एक एक्सिस में स्टार्ट में मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास ए एक्स होगा यानी कि हॉरिजेंटल में एक्सीलेशन होगा वो जीरो के इक्वल होगा, जो हमने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से भी हमने पढ़ा कि एफ ए इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू एम ए आपके पास होता है, तो ए इज इक्वल टू एफ ओवर एम, तो एफ आपके पास एक्स एक्सिस के लॉन्ग एफ एक्स थी तो वो आपके पास जीरो थी, जो हमने कहा कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रही, इसमें इनकी एक्सीलेशन जीरो है, जब जीरो को टी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म जीरो हो जाएगी, तो आपके पास जो फाइनल वेलोसिटी है वो इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी हॉरिजेंटल कंपोनेंट फॉर्म। तो अब जो हमारे पास हॉरिजेंटल कंपोनेंट है उसको हम कोस थीटा साइन के साथ लिखते हैं, तो वी एफ एक्स फाइनल वेलोसिटी विच इज इक्वल टू वी आई कोस ऑफ थीटा सिंस वी एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब वी एक्स हमारे पास क्या है, हॉरिजेंटल में कॉन्स्टेंट होती है वेलोसिटी, जो मैंने आपको इस तरह से बताया ये चेंज नहीं हो रही, कांस्टेंट रहेगी हर पॉइंट पे, बाकी ग्रेविटी की फोर्स लगेगी, तो वी एक्स कांस्टेंट होगी, तो ए एक्स आपके पास क्या है इक्वल टू जीरो है अलोंग द एक्स एक्सिस, तो इस तरह से ये ए एक्स की वैल्यू यहाँ पे जीरो पुट कर दें, और वी एक्स अगर कांस्टेंट है तो उसको हम सिंपली वी आई भी लिख सकते हैं, क्योंकि स्टार्ट में आपके पास वी आई, तो ये आपके पास आ जाएगा वी एफ एक्स इज इक्वल टू वी आई कोस ऑफ थीटा, तो ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फॉर्म में कि वी एफ एक्स इज इक्वल टू वी आई। तो यहाँ पे अब हम वर्टिकल कंपोनेंट देखेंगे फाइनल वेलोसिटी के लिए, तो वर्टिकल कंपोनेंट फाइनल वेलोसिटी के लिए आप वर्टिकली में है तो वाई लिखेंगे, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है कि अगर हॉरिजॉन्टली लिख रहे हैं तो आप उसको एक्स से डिनोट कर रहे हैं, वर्टिकली लिख रहे हैं तो वो वाई एक्सिस के अलोंग होता है, इसलिए हम उसको वाई से लिखते हैं, तो फाइनल वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस विच इज इक्वल टू वी आई वाई प्लस ये इनिशियल वेलोसिटी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं उसमें हम वैल्यूज पुट कर रहे हैं, और एक्सीलेशन ए जो है वो ए वाई के इक्वल है, टाइम टी है, और इनिशियल वेलोसिटी जो है वो वी आई वाई के इक्वल है, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। अब यहाँ पर इसकी हम वैल्यूज पुट कर लेंगे, तो वी एफ वाई विच इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा, अब इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी, जो हमने उसके कंपोनेंट्स में तहवील किया, कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया, तो उसमें हमने बताया कि जो आपके पास वी आई वाई होगी वो वी आई साइन थीटा के इक्वल होगी, तो उसकी वैल्यू आप लिख लें वी आई साइन थीटा, और ए जो है वो माइनस जी के इक्वल होगा, माइनस जी के इक्वल क्यों, अब यहाँ पे ये देखें मैंने लिखा है फॉर अपवर्ड मोशन, अगर आपके पास मोशन अपवर्ड है ऊपर की तरफ है, यानी कि ये आपके पास एक पैराबोला है, अगर यहाँ पे एक है आपके पास, यहाँ से आप फेंक रहे हैं और यहाँ पर आ रहा है, तो ये नीचे से ऊपर की तरफ आपने फेंका, तो फिर हम जी की वैल्यू क्या लेंगे, माइनस जी, अगर हम इस तरह से लें ऊपर से नीचे फेंके किसी चीज़ को, तो फिर जी की वैल्यू क्या होगी, वो पॉजिटिव आएगी। ये देखें अगर ऊपर से आप नीचे कोई चीज़ फेंक रहे हैं, अगर ऊपर से नीचे की तरफ आएगा जी की वैल्यू पॉजिटिव होगी, क्योंकि
ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जो है वो जमीन के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है चीज़ों को अपने नीचे की तरफ, डाउनवर्ड एक्ट करता है, तो वो पॉजिटिव जी की वैल्यू होगी, क्योंकि वो उसकी एक्शन की फोर्स है ना, वो उसकी हमेशा जो है वो डायरेक्शन ऑफ द सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ होती है, कि वो डाउनवर्ड अपनी चीज़ों को अट्रैक्ट करता है, तो वो पॉजिटिव ही लेंगे। अगर उसके अगेंस्ट हम वर्क करेंगे कि हम ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, देन उसके जो एक्सीलरेशन की फोर्स होगी वो हम नेगेटिव जी लेंगे। तो इसलिए यहाँ पे हम -A को जो है वो -G के इक्वल लिखेंगे, और ये वर्टिकली डायरेक्शन वाले A को ले रहे हैं, तो वो AY इज इक्वल टू -G फॉर अपवर्ड मोशन। अगर डाउनवर्ड मोशन होगी तो फिर उसके पास आपके पास +G की वैल्यू, यहाँ पे +G लिखेंगे। अगर आपको मेंशन कर दिया जाए क्वेश्चन में, अगर कोई भी क्वेश्चन दिया जा रहा है आपको या न्यूमेरिकल है, उसमें आपको बताया जाए कि आप कोई बॉल जो है वो अपवर्ड उसको मूव करवा रहे हैं, उसकी अपवर्ड मोशन देख रहे हैं, तो फिर आप उसकी ऑटोमेटिकली खुद से जो है वो -G लिखेंगे इक्वेशन में, यहाँ पे +G की A की जगह पे, ठीक है। और अगर आपको कह दिया जाए कि कोई चीज़ जो है वो डाउनवर्ड मोशन उसकी आपने स्टडी करनी है, नीचे की तरफ फेंक रहे हैं, तो फिर आप उसको पॉजिटिव जी लेंगे, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस आएगा, अपवर्ड मोशन के लिए नेगेटिव जी और डाउनवर्ड मोशन के लिए पॉजिटिव जी। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंस इज, अब मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने का आपने फार्मूला वेक्टर प्रोडक्ट में, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट में, डॉट प्रोडक्ट दोनों में पढ़ा है, तो उसमें हम क्या करते हैं कि वी आपके पास अगर वेलोसिटी है तो फर्स्ट एक्स एक्सिस का स्केयर, यानी कि अगर वी है तो वी एक्स का स्केयर प्लस वी वाई का स्केयर होता है आपके पास। तो अब ये जो वी एक्स है आपके पास वो फाइनल वेलोसिटी है एफ एक्स, और जो आपके पास वी वाई है वो फाइनल वेलोसिटी है वाई एक्सिस के लॉन्ग, तो दोनों के साथ हमने इसलिए एफ एफ लिख दिया, वी एक्स का स्केयर प्लस वी एफ वाई का स्केयर। अब वी आई वी एफ एक्स हमारे पास जो थी, जो लास्ट में हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की फाइंड आउट की एक्स एक्सिस के लॉन्ग, वो वी आई कोस ऑफ थीटा थी, और जो वाई एक्सिस के लॉन्ग हमने फाइंड आउट की अभी, वो हमारे पास क्या है, वी आई साइन थीटा -TT, ये इस कंप्लीट के इक्वल है। उसमें वी आई कोस थीटा थी प्लस AT जो TT था वो हमारे पास जीरो टर्म्स हो जाती थी, क्योंकि हमारे पास हॉरिजॉन्टली एक्सीलरेशन जो था वो इक्वल जीरो था। तो इसलिए आप इन दोनों की वैल्यूज पुट करेंगे तो ये आपके पास कंपोनेंट्स आ जाएंगे, इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा वेलोसिटी का, किसी भी पॉइंट पे अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो सेम वही मैग्नीट्यूड वाला फार्मूला हमने लिखा है, कि जो भी आपको टर्म गिवन है एक्स एक्सिस का उसका स्केयर ले लें उसके कंपोनेंट्स का, प्लस वाई एक्सिस के लें उसके कंपोनेंट का स्केयर ले लें, तो आपके पास और स्केयर रूट ले लें उसका, आपके पास मैग्नीट्यूड आ जाएगा। उसके बाद है डायरेक्शन ऑफ द फाइनल वेलोसिटी विद एक्स एक्सिस। अगर आप डायरेक्शन फाइंड आउट करनी हो फाइनल वेलोसिटी की, तो वो हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। द डायरेक्शन ऑफ द फाइनल वेलोसिटी विद एक्स एक्सिस इज इक्वल टू दिस। अब ये किस तरह से आई, आप यहाँ पे सपोज करें अगर आपके पास एक ट्राइंगल है, ये आपके पास ट्राइंगल है, तो ये ट्राइंगल में आपके पास परपेंडिकुलर होता है, ये आपके पास बेस होती है, और ये आपके पास हाइपोटेन्यूज होता है। यहाँ पे एंगल कोई बन रहा है इसके साथ, वो आप सपोज कर लें कि फाई है। अब जो टेन ऑफ थीटा हमारे पास होता है, यानी कि एंगल थीटा हो या फाई, जो भी यहाँ पे लिखा है आपने वो लिख लेना। तो अगर टेन फाई है अगर आपके पास, यहाँ पे मैं थीटा भी लिख सकती थी, लेकिन यहाँ पे इन टर्म्स में थीटा आ रहा है, यूज हो रहा है, इसलिए हमने मैंने एंगल को डिफरेंट करने के लिए यहाँ पे क्या लिख लिया हमने, फाई। अब जो टेन हमारे पास होता है मैथमेटिकल में, वो हमारे पास होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब परपेंडिकुलर यहाँ पे आपके पास जो वेलोसिटी है वर्टिकल में, वो आपके पास फाइनल वेलोसिटी क्या है, एफ वी एफ वाई, और जो बेस है वो वी एफ एक्स, एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, यानी कि तो आप ये फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय इनिशियल वेलोसिटी आपके पास किसके इक्वल आ जाएगी, टेन ऑफ फाई के। अब अगर फाई फाइंड आउट करना है तो फाई को एक साइड पर रहने दें, टेन को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो वो टेन इनवर्स हो जाएगा, इस तरफ पॉजिटिव उसकी पावर है, दूसरी साइड पे जाके वो नेगेटिव बन बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय इनिशियल वेलोसिटी, और सॉरी परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये आपके पास आ जाएगा इस तरह से। अब इसकी वैल्यू पुट कर ले वी एफ वाई की, जो हमने फाइंड आउट की, वी आई साइन ऑफ थीटा -DT डिवाइडेड बाई वी एफ एक्स की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की, वी आई कोस ऑफ थीटा, उसको पुट कर ले तो आपके पास एंगल की वैल्यू आ जाएगी। अगर आपको किसी भी एंगल की जो डायरेक्शन है फाइनल वेलोसिटी की फाइंड आउट करनी हो, या एंगल आपसे कहें कि वो फाइंड आउट करो, तो आप इस तरह से उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था प्रोजेक्टाइल मोशन पर, उसको कम्प्लीटली हमने एक्सप्लेन किया, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड आउट किया है और उसका वर्टिकल डिस्टेंस फाइंड आउट किया है।
वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को देखा है, देन हमने डायरेक्शन ऑफ फाइनल वेलोसिटी को लास्ट में जो है वो ट्राई की है। ये लास्ट में हमारे पास कुछ रेफरेंस बुक्स हैं, इनसे आप इन टॉपिक्स को सर्च कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आई होप कि आज का आपको लेक्चर जो है अंडरस्टैंड हो गया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं।